सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल जहां सिरमौर, शिमला और सोलन के रोगी दूर से इलाज करवाने के लिए इस उम्मीद से आते हैं कि इन्हें यहां अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन यहां आने के बाद जाते रोगी कटु अनुभव भी साथ लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही वाक्य एक बार फिर से अस्पताल में देखने को मिला, जब एक युवती अपने दादा की अचानक तबीयत खराब होने पर इलाज करवाने अस्पताल पहुंची। अस्पताल में पहले तो चिकित्सकों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया और वार्ड में शिफ्ट कर दिया और काफी समय तक उनकी तरफ कोई गौर नहीं किया। इसी बीच बुजुर्ग की सांसें जवाब देने लगी। चिकित्सक को बुलाया गया तो सिर से बला टालने के लिए उसे यहां से पीजीआई रेफर कर दिया गया। 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। निजी वाहन में बुजुर्ग को ले जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। युवती ने अस्पताल प्रशासन से सिलेंडर की मांग की तो उन्होंने 5,000 रूपए सिक्योरिटी की मांग कर डाली, जो युवती के पास नहीं थे। युवती रोती बिलखती अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाती रही कि उसके पास पैसे नहीं हैं, दादा की तबीयत खराब हो रही है, आप गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाइए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। इसी जद्दोजहद में 2 घंटे बीत गए और वृद्ध की हालत बिगड़ती चली गई। अंत में वृद्ध ने दम तोड़ दिया। विडंबना यह है कि युवती के माता पिता पहले ही नहीं हैं, दादा ही उसका अंतिम सहारा थे। वृद्ध के साथ आए तिमादारों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वृद्ध की जान गई है, उसके लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि पहले तो डॉक्टरों ने वृद्ध का ठीक से उपचार नहीं किया, बाद में उसे रेफर कर दिया। अस्पताल से उन्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। वह निजी वाहन में वृद्ध को शिमला ले जाना चाहते थे, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, जिसके लिए 5,000 रूपए की सिक्योरिटी मांगी गई, जो उनके पास नहीं थी। 2 घंटे के बाद एम्बुलेंस मिली। जब उन्हें उसमें शिफ्ट करने लगे, वृद्ध के प्राण निकल चुके थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं सोलन अस्पताल में आम हो गई है। रोगी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन डॉक्टरों पर कोई असर नहीं होता है। गैस सिलेंडर की वजह से देखो, अगर वो हमारे को गैस सिलेंडर मिल जाता तो हम अपनी प्राइवेट गाड़ी करके चल जाते। अब हमारे पास 5,000 रूपए नहीं थे तो हमने कैसे लेके जाना था गैस सिलेंडर? आपको बताइए जी, पीजीआई में कैसे पानी की तरह पैसे जाता है, पानी की तरह। डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद ऊपर पेशेंट को रखने के बाद हमारे को बोल दिया, चाहे तुम आईजीएमसी ले जाओ चाहे तुम पीजीआई ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और यहाँ पे नीचे एक एम्बुलेंस थी खड़ी हुई, उन्होंने बोला ये खराब है, और वो ही एम्बुलेंस पहले डमरोक गई, फिर डमरोक से पेशेंट लेकर आई, फिर उन्होंने दोबारा हमारे को यही बोला भी एम्बुलेंस ये पीजीआई लेकर जाएगी, और जितने वो पेशेंट को एम्बुलेंस में डाला और उतने वो मतलब खत्म थे। मार्सिस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के मार्सिस सिक्योरिटी मांगी जा रही है, ये किस बात का सरकारी हॉस्पिटल है? और ये ऐसे एक बार नहीं हुआ, यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं उनके साथ हर बार ऐसे ही होता है, डेली कोई ना कोई पेशेंट यहाँ से मर रहा है।